लखनऊ जंक्शन से नई दिल्ली जाने वाली तेजस एक्सप्रेस शनिवार करीब 3.25 घंटे की देरी से दिल्ली पहुंची। इसके चलते लखनऊ से नई दिल्ली का सफर कर रहे प्रत्येक यात्री को IRCTC ने 250 रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है। ट्रेन में 451 यात्री सवार थे। IRCTC अधिकारियों के मुताबिक यात्रियों के दर्ज मोबाइल पर एक लिंक भेजा जाएगा। यात्रियों को उस लिंक पर जाकर क्लेम भरना होगा। इसके बाद यात्रियों के अकाउंट में इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से मुआवजे की रकम ट्रांसफ़र होगी। शुक्रवार रात लखनऊ जंक्शन स्टेशन पर बनारस जाने वाली कृषक एक्सप्रेस यार्ड से प्लेटफार्म पर लाई जा रही थी, तभी अचानक ट्रेन के दो कोच पटरी से उतर गए। इससे नई दिल्ली से लखनऊ पहुंची तेजस एक्सप्रेस प्लेटफार्म पर ही खड़ी रह गई और पिट लाइन पर मरम्मत करने के लिए समय पर नहीं पहुंची। इससे ट्रेन की मरम्मत और उसे तैयार करने में काफ़ी समय लग गया। ट्रेन सुबह 6:10 लगभग 3 घंटे की देरी से 9 बजे दिल्ली के लिए रवाना हुई और नई दिल्ली करीब 3.25 घंटे की देरी से दोपहर 3:40 पहुंची। IRCTC के नियमों के तहत तेजस के 1 घंटे व उससे ज़्यादा की देरी पर यात्रियों को 100 रुपये और 2 घंटे या उससे ज़्यादा की देरी पर 250 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। ट्रेन के देरी से पहुंचने के बाद IRCTC मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अश्विनी श्रीवास्तव ने यात्रियों को मुआवजा देने का ऐलान किया। धन्यवाद।